ये साहब हम फरीदाबाद से बस में आए 80-90 लोग दर्शन करने प्रभु जी के। तो जैसे समापन हुआ सत्संग तो भीड़ में दब गए लोग, तो एक बेटी नाम ले 4 साल की और हमारे साथी इनका चोट आ गई, ये पीलीभीत की है। तो जिनके चोट आई है ये कौन है आपके? ये हमारे प्रेमी है, हाँ प्रेमी। हाँ अभी कैसी हालत है उनकी? हालत तो सही है, हालत तो सही है, थोड़ी चोट आ गई है लेकिन बेटी ना मिली। अब भैया समापन के और चले गए परमात्मा समापन करके, और ये जैसे भज्जी पर ही सब महापुरुषों की, और भैया लेडीज लोग भाग के भागना जाता है जल्दी से, दब गई कीच में। ये हादसा तो हमने आज ही पहली बार देखा जिंदगी में, हाँ हमें तो बाद में पता लगी। हाँ तो हमारे संघ की नानी सब कर अपने अपने संघ की देख ली बस में जाकर, तो मैंने हमारे संघ की 2 लेडीज ना आई है, मेरी 2 बहनें आई है, तो भैया ने कही कि जाकर देखो वो सरकारी अस्पताल में ऐसे ऐसे बात है। संघ समागम चल रहा था जिसमें घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है, सर क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है तो यहां पुष्टि संख्या होगी सर अनुमान? जी यहां पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी, और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी, और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा, एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच चल रही, जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। ये बताते हैं कि जो आदर्श में सत्संग चल रहा था ये सुगंध है, वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है, इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है, और उनकी प्रक्रिया चल रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारे क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं, एक दो बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई है टाइम में? यहाँ 27 बॉडी सिकंदरा राहुल के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, इतने लोगों की मरने की आशंका है, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। सब कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं।